नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आयुर्चर्या। काफी टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ। अभी सब लोग लॉकडाउन पे हैं, बट आई वॉज वेरी बिजी क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो आज मैं डेफिनेटली COVID-19 के सब्जेक्ट के ऊपर बना रहा हूँ। शायद आप लोगों को ऑलरेडी काफी सारे नॉलेज, आपको काफी इंफॉर्मेशन मिला होगा, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि देर इज अ गैप। कुछ लोगों को चीजें जिस तरह से समझ में आना चाहिए उस तरह से समझ में नहीं आया है। और क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया देखेगा तो आपको पता होगा काफी सारे लोग अभी भी ये लॉकडाउन को मानते नहीं है, और जिन्हें भी हमने बताया सोशल डिस्टेंसिंग, प्रधानमंत्री ने भी बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग आपको फॉलो करना है, बट लोग उसको फॉलो नहीं कर रहा है, सीरियस नहीं है। तो क्यों है ये गैप? तो मुझे लग रहा है कि ये उनकी अवेयरनेस जिस तरह से होना चाहिए उस तरह नहीं हुआ है, उसकी वजह से है। सो दोस्तों, हम देखते हैं क्या क्या आपको फॉलो करना है कोरोना वायरस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं ये जो वीडियो WHO की गाइडलाइंस के ऊपर बना रहा हूँ, WHO ने जो गाइडलाइंस दिया है, मुझे लग रहा है कि दैट इज द ओनली गाइडलाइंस विच इज सॉलिड प्रूवन, ठीक है, वो सबको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अगर आप मीडिया देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं कि आजकल काफी सारे लोग बता रहे हैं ये वैक्सीन आ गया है या ये दवाई 3 घंटे के अंदर आपके इन्फेक्शन को भी ठीक कर सकते हैं, काफी सारे फेक न्यूज आ रहे हैं, काफी सारे फेक क्लेम्स आ रहे हैं। दोस्तों, इसको फॉलो नहीं करना है। सो WHO ने ये बोला है, पहली बात यह है कि आपको अवेयर होना चाहिए इन्फेक्शन के बारे में, क्योंकि अगर आपके नॉलेज अच्छा है, आप अपडेटेड रहते हैं, तो अपने आप को आप सुरक्षित रख सकते हैं। सो आपको इंफॉर्मेशन कहां से लेना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इंफॉर्मेशन आपको लेना चाहिए, अगर इंडिया में है तो आप गवर्नमेंट का वेबसाइट दिया हुआ है, गवर्नमेंट में सारी वेबसाइट का लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप उधर से क्लिक करके देख सकते हैं। सो गवर्नमेंट की वेबसाइट से आप न्यूज ले लिए, या WHO के वेबसाइट से आप डायरेक्ट ले सकते हैं। ये जो है, इन्होंने पहला कदम, पहला स्टेप ये है आपको करना है कि आपको अपडेटेड रहना है जो राइट ओरिजिनल जेन्युइन न्यूज से, क्योंकि फेक न्यूज शायद आपको खतरे में डाल सकते हैं। सेकेंड स्टेप उन्होंने बताया है हैंड वॉशिंग के ऊपर, हैंड वॉशिंग करना है। दोस्तों, काफी साल से मैंने इन्फेक्शन कंट्रोल के क्लासेस लिया है, बट कभी ये नहीं सोचा था कि आम जनता को भी ये सिखाना पड़ेगा, बट आज सब लोग सीख रहे हैं, आपको भी सीखना है। उसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, मतलब मेरा चैनल में जाके देखिएगा तो आपको हैंड वॉशिंग स्टेप्स मिलेगा। अभी मैं स्टेप्स इधर नहीं सिखाऊंगा, बट आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, लोग समझते नहीं है कि हैंड वॉशिंग के ये प्रोसीजर को, लोग ये सोचता है हम रोज हैंड वॉश करते हैं उस तरह से क्यों नहीं कर सकते। दोस्तों, सिंपल है। अगर आप नॉर्मल देखो, अगर आप खाना खाते वक्त या कुछ लोग करते हैं हैंड वॉशिंग इस तरह से, यह गलत है, क्योंकि इस तरह से अगर आप हैंड वॉशिंग किया है तो सिर्फ आपके ये जो एरिया है उतना ही कवर होता है, ठीक है। स्टेप्स आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये स्टेप फॉलो करने की वजह से क्या फायदा है कि आपकी सारी हैंड की जो सारे पार्ट है वो कवर हो जाएगा, सारी जगह साफ हो जाता है। उस स्टेप्स को इस तरह से बनाया है, जब आप वो 7 स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपकी पूरी हाथ, पूरी जगह अच्छी तरह साफ हो जाएगा, जिस जगह पे ऐसे करने से कवर नहीं होता है।
सो ये है हैंड वॉशिंग करने का फायदा. सो कोरोना इन्फेक्शन के टाइम में इसको फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ाइए. फ्रीक्वेंसी इसलिए बढ़ाना है, शायद आप लोगों ने देखा होगा ऐसे भी लोग हैं जो इन्फेक्शन को फैलाना चाहते हैं. काफी सारे वीडियोस मीन चाइना से, इवन सऊदी से भी रिसेंटली एक वीडियो आया है, लोग उसको फैलाने के लिए उनके सलाइवा को इधर उधर इधर वो थूक रहा है कई जगह पे, या वो इंटेंशनली उसको फैलाने की कोशिश करते हैं. सो आपको नहीं पता कि ऐसे किसी ने किया है या कहीं जगह पे टच किया है. सो अगर आप बाहर जा रहे हैं स्पेशली, तो इधर उधर टच करते वक्त आपको याद आना चाहिए, वापस आके अगर घर पे वापस आ गया या ऑफिस में वापस आ गया, तो पहला कदम, फर्स्ट स्टेप आपको हैंड वॉशिंग करना है. WHO ने और ये बताया है कि अवॉइड टचिंग यूअर नोज, आईज एंड माउथ. सो अगर सोचो आपने कहीं जगह पे टच किया है, उस हाथ को लेकर उस हाथ में अभी इन्फेक्शन है, जब आप नाक में या मुंह में या आईज में टच किया, तो वहां से वो इन्फेक्शन आपके बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है. देखो अगर आपके हाथ भी इन्फेक्शन है, आप हाथ धो सकते हैं, वो इन्फेक्शन को वहां से हटा सकते हैं या वो कीटाणु को हटा सकते हैं. बट एक बार वो अंदर गया, बॉडी के अंदर गया, तो फिर आप नहाने से भी नहीं जाएगा वो, क्योंकि वो अंदर गया है, अभी वहां जाके इन्फेक्शन फैलना शुरू करेगा. इसलिए हैंड वॉशिंग करना है, नाक में या माउथ में या आईस में टच करना बंद करना है, स्पेशली जब आप बाहर जाते हैं. नेक्स्ट स्टेप जो है, हैंड सैनिटाइजर को यूज करना. क्या यह जरूरी है? अगर आपके पास हैंड सैनिटाइजर है उसको यूज करिए, बट अगर नहीं है आपके पास तो आप उसका ज्यादा टेंशन मत लिए. अगर आपको नहीं मिल रहा है, हैंड वॉशिंग साबुन से करिए, वही बेटर है. नेक्स्ट जो है, सोशल डिस्टेंसिंग. ये क्यों बताया है? सोशल डिस्टेंसिंग इसलिए बताया है कि अगर उस व्यक्ति को, दूसरे जन को इन्फेक्शन है, अगर वो खांसी कर रहा है या छींक रहा है, सो कम से कम 1 मीटर की गैप रखने से यह फायदा होता है कि सबसे ज्यादा इन्फेक्शन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है. इवन तो WHO ने यह भी बताया है कि कम से कम 3 घंटे तक एयर में इन्फेक्शन रह सकते हैं, हवा में रह सकते हैं इन्फेक्शन, ये WHO ने अभी रिसेंटली बताया है. सो सोशल डिस्टेंसिंग 1 मीटर रखने से यह फायदा होता है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होने का चांसेस कम हो जाते हैं. इसलिए दूसरे व्यक्ति से आपको कम से कम 1 मीटर की गैप रखना जरूरी है. नेक्स्ट ये बताया है कि रेस्पिरेटरी हाइजीन को प्रैक्टिस करें. रेस्पिरेटरी हाइजीन का मतलब यह है कि अगर बाहर जाते वक्त अगर आपको लगता है कि आपको इन्फेक्शन है, आपको मास्क पहनना बहुत जरूरी है, आप दूसरे लोगों को इन्फेक्ट नहीं करेंगे. ठीक है, रेस्पिरेटरी हाइजीन सिर्फ मास्क पहनने से नहीं रुकता है, आपको एक और करना चाहिए कि जब आप खांसते हैं या छींकते हैं तो आपको यूज करना चाहिए ऐसे आर्म्स, तो आपको नाक को ऐसे कवर करना चाहिए. ये कवर करने का फायदा ये है कि देखो अगर आपने, लोग करते हैं हाथ में छींकते हैं या खांसते हैं, इस हाथ में किया तो आप इधर उधर टच करने की चांसेस ज्यादा है ना. सो टच करने से आपको पता है कि आपके हाथ से वो इन्फेक्शन फैल सकते हैं. अगर आपको इन्फेक्शन है तो आपको नहीं पता, क्योंकि अभी ये स्टडीज भी ये बता रहा है कि 14 डेज तक लगता है. ठीक है, 4 to 14 days लगता है इन्फेक्शन होने के बावजूद एक व्यक्ति को, उसका सिम्टम्स आने में कम से कम 14 days लगता है. तो उसके उस टाइम के अंदर आप दूसरे जन को इन्फेक्ट भी कर सकते हैं. सो आपको नहीं पता कि आपके बॉडी में इन्फेक्शन है कि नहीं, इसलिए रेस्पिरेटरी हाइजीन प्रैक्टिस करिए. दोस्तों मास्क बाहर जाते वक्त आपको पहनना बहुत जरूरी है, बट
उसको कैसे पहनना है, उसको कैसे फेंकना है, ये लोगों को नहीं पता है। ठीक है, तो मास्क पहनने का तरीका ये है, नॉर्मली आप पहन सकते हैं, बट इसको निकालने का तरीका आप ध्यान दे दीजिए। निकालने का तरीका ये है कि लोग ऐसे निकालते हैं, ये गलत है। आपको निकालना चाहिए ऐसे, ऐसे निकाल के इसको फेंकना चाहिए। सो प्रिवेंशन सबसे बेहतर है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप इस तरह से ये जो स्टेप्स भी हो मैंने बताया है, इसको फॉलो करने से आप कोरोना इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। इससे बेहतर ये है कि आपको हेल्थ को इम्प्रूव करना है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप अच्छा खाना खाइए, फ्रूट्स खाइए। बस इम्यूनिटी बढ़ाने से इन्फेक्शन को आप रोक सकते हैं, ये जल्दी फैल जाते हैं। लोगों के इन्फेक्शन बॉडी में इम्यूनिटी कम है तब जाके उनको प्रॉब्लम बनता है। अगर इम्यूनिटी अच्छा है तो ये एक नॉर्मल फीवर के जैसे आके चले जाते हैं। इम्यूनिटी अगर अच्छा नहीं है आपके, तो आपको निमोनिया हो सकता है और रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी आ सकते हैं। ठीक है, तो इम्यूनिटी को अच्छा रखिए, इम्यूनिटी को बढ़ाइए, अच्छा खाना खाइए। ठीक है, और टेंशन में नहीं रहना है, क्योंकि जब आप टेंस हो जाते हैं, जब आप घबराते हैं, तो आपकी बॉडी का इम्यूनिटी काम नहीं करता है। इसलिए आप टेंशन नहीं लिए, आप सुस्त रहिए, खुश रहिए। ये जो स्टेप्स, जो प्रिवेंशन की स्टेप्स आप फॉलो करिए, ताकि आप कोरोना इन्फेक्शन से सुरक्षित रह सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों से के साथ शेयर करिए, फैमिली के साथ शेयर करिए, और आपके डाउट्स जो है कमेंट्स में लिखिए, ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।